दर्जमा नारे पीएनसी स्कूल रो पाठ आउ केते दिन रोकिबे राज्य सरकार सेटा वर्तमान अमर राज्य रे लागू करा जाय नै सेटा एग्जामिनेशन रे अछि स्कूल रे गुणात्मक शिक्षा रो रास्ता रोकिबा पछरे बीजेडी सरकार क की उद्देश्य रूपांतरीकरण प्रचार फिका पड़ा आशंका गरीब मेधावी स्वार्थ को बड़ी मोदी को श्रेय जीवा डर से आयुष्मान भली पीएम श्री बाट देगाड़ी नवीन को धर्मेन्द्र तृतीय चिठी पर राज्य सरकार के उद्देश्य नहीं उठिला प्रश्न पीएम श्री स्कूल सारा देश में उत्कंठा और आग्रह केन्द्र शिक्षा मंत्रालय सह एमओयू स्वाक्षर कर सारे अधिकांश राज्य और केन्द्रशासित अंचल प्रथम पर्याय स्कूल चयन शेष हो एबे द्वितीय पर्याय पर जारी रही चयन प्रक्रिया किंतु ओडिशा ए पर्यंत बुझामणा पत्र स्वाक्षर कला नहीं पीएमश्री नहीं आगो को बढ़िबारे ओडिशा सरकार काहीकि टाळाफुळ नीति अपणाई गत मार्च मासर ए प्रसंगर विधानसभा पचरा जाइतिबा प्रश्नर उत्तर रे तत्कालीन गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिथिले एनै तर्जमा चली सत मास पर गणशिक्षा सचिव समान उत्तर तर्जमा चली सेटा वर्तमान अमर राज्य रे लागू करा जाय नै सेटा एग्जामिनेशन रे अछि 2022 सेप्टेम्बर 7 रे पीएमश्री योजना रा शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थात वर्षेरु अधिक समय धरी योजना आरंभ होइथिले भी राज्य सरकार कर तर्जमा सरु नै तर्जमा पई आउ केते समय दरकार ना ओडिसा रे पीएमश्री रा बाट उगाळीबाकु तर्जमा केवल एक बहाना पीएमसी स्कूल रे आपण देखंतु सेठी लैब रो फैसिलिटी अछि क्रीडा उपरे फैसिलिटी अछि पिला जो पाठ पढ़ा आरंभ कले तार भविष्य को लेकिन से सेठी भविष्य पंथा निर्धारण कर गोटे ठीक जगार पहुंच पार जोटा कि राज्य सरकार चाहूना 5G ना जो डिंडीमा मारी बर्तमान राज्य में जो भाई योजना चलती से पीएमसी योजना जो लागू होकर जो योजना 5G योजना चलती भंडूर हम राज्य सरकार कौन अनुमोदन करना आग्रह ने से कथा आमे जानि पानु आपण वोट फायदा देखंतु नै सर आपण सीट आमर सीट आपण सीट बंचैबा पई बोली आमर आदिवासी पिलांक संगे खेळ घर करंतु नै पीएमसी योजना लागू असुविधा कोठी रहला पिला गढी उठिबे राज्य रे एथिरे असुविधा कोठी रहला कोन पई राज्य सरकार रे एथिरे वैमत्व मनोभाव रखछन्ति उद्देश्य होउछि शिक्षा को अनदेखा करा जाउछि एवं काले केन्द्र सरकारंकर ना हे जीवो तेनु याकु संपूर्ण भाव रे उडा आंतरिकतार अभाव हुए तो ओडिशा सरकार तांकर सर्वशिक्षा अभियान 5G योजना ए सब कु हित दृष्टि एवं राजनैतिक दृष्टिकोण रु ग्रहण करूना सरकारी स्कूल रे रंगबोली 5G स्कूल रूपांतरीकरण ना रे राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र रे निजर बड़ उपलब्धि भाव खूब प्रचार करुछंती पीएमश्री स्कूल पर गुणात्मक मानर स्कूल ओडिशा रे खोलिबो ता आगरे फिका पड़ स्कूल रूपांतरीकरण प्रचार श्रेय चली सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को सही डर से पीएमश्री बाट उगा कि राज्य सरकार यहाद्वारा गरीब मेधावी विद्यार्थी भविष्य को धोखा देना कि बीजेडी सरकार जेपरी आयुष्मान भारत योजना सारा देश में लागू होते भी राज्य सरकार श्रेय डर से लागू करूना समान कारण जो ओडिशा रे पीएमश्री रास्तार बीजेडी सरकार बाधक साजिश अभियोग कर विरोधी दल मुख्य सचेतक जहां जहां आवश्यकता जो भित्तिमि कहते 5G स्कूल ता वास्तव में कौन सी प्रकार किसी कार्यकारी करनापड़े 5G रूपांतरण स्कूल एवं पीएमश्री स्कूल भितर जो तफात आसी निश्चित भाव सरकार पदार पड़जे भोट बैंक चली भयभीत कर लागू करने चाहूना ओडिशा रे पीएमश्री योजना लागू करिबा नै केन्द्र सह एमओयू करिबा कु पूर्वरु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दुई दुई थर अनुरोध करी चिठी लिखी थिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बुधवार तृतीय थर पई मुख्यमंत्री को अनुरोध करी चिठी लिखी छंती केन्द्र मंत्री राज्य रे पीएमश्री योजना लागू करिबा तथा एमओयू स्वाक्षर करिबा पई विभागीय अधिकारी को निर्देश देबा कु नवीन को पूर्ण अनुरोध करी छंती धर्मेन्द्र पूर्वरु शिशु और महिलांक पाई पंचायत राज व्यवस्थार भूमिका संपर्कित कर्मशालारे मध्य केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ए प्रसंग उठाइथिले पीएमसी स्कूल पाई राज्य रे एमओयू करबा कु राज्य सरकार को अपील करथिले भलो सुधार हो किंतु पीएमसी के स्कूल हो ओडिसा रे 1800 स्कूल मिलबो 1200 कोटि टंका मिलबो ए पर्यंत ओडिसा सरकार एतरे एमओयू करिनाथि मु प्रदीप भाई को आदरणीय वासंती अपन को अनुरोध करू
ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜନର, କାରଣ ଝିଅ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ହବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ସାରା ଦେଶରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 27,360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 14,500ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 800 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ଖସିଯିବାର ଭୟ, ନା ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସାରା ଦେଶରେ 20 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।